हेलो फ्रेंड्स, आपमनकु डेली जॉब सोडिया चैनल को स्वागत जनाउछि। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ रु देखंथु फ्रेंड्स, कैंटीन अटेंडेंट रो वैकेंसी को नै एक एडवर्टाइजमेंट को रिलीज कराइछि। जदि आपण केवल दशम पास करछन्थि, आपण आसीथिबे वैकेंसी पै आवेदन करि परिबे। आजिर वीडियो रे मु आपमनकु आसीथिबे एडवर्टाइजमेंट विषय रे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जणैबि। कैंटीन अटेंडेंट रो केतोटी वैकेंसी आसीछि, सेथिबे थिबा क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, मासुक आपण केते दरमा मिलि जिवो, एमिति सब टॉपिक विषय रे आज हम डिटेल ले डिस्कस करिबा। तेणु फ्रेंड्स, आवेदन पूर्वरु कंप्लीट इनफॉरमेशन पाई आपण ए वीडियो टिकु बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु। तबे वीडियो रे आगु बढ़िया पूर्वरु आपण मानकु गोटे छोटो रिक्वेस्ट, वीडियो टी भलो लागिले लाइक करिवे, निज सांग मानक स शेयर करिवे। आउ जदि आपण ए चैनल ले नुवा छंदी, ताले आगु केमति नुवा नुवा जॉब रे अपडेट पाई आपण ए चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु, आ पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बेल टिकु दबई ऑल रे रखंतु। तबे चालंतु फ्रेंड्स, आरंभ करिवे आजर वीडियो। तबे देखंतु फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ आसीथिबा एडवर्टाइजमेंट एहिपरि रहिछि। एही पीडीएफटर लिंक मु आपणमानंकु वीडियोर डिस्क्रिप्शन दे देबी, आपण निजर रेफरेंस पई याकु डाउनलोड करिनेबे। तबे फ्रेंड्स, चलंतु एडवर्टाइजमेंट थिबा इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुडीक विषय मु आपणमानंकु जणै दउछि। प्रथम चलंतु फ्रेंड्स, आसीथिबा वैकेंसी विषय जाणि नबा। तबे देखंतु फ्रेंड्स, जेमिति कि मु आपणमानंकु कहिलि, एठारे कैंटीन अटेंडेंट रो पोस्ट को नहीं वैकेंसी आसी। देखंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तमिलनाडु एवं पुडुचेरी रीजन पर एठारे वैकेंसी आसी। यह होची आपणकर ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। तबे टोटल वैकेंसी कथा कहले फ्रेंड्स, देखंतु टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रही 25 टी। कैटेगराइज वैकेंसी बैकअप टी एपर रही, जनरल पर 13 पोस्ट, ओबीसी पर 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर 2 पोस्ट, एससी कैटेगरी पर 3 पोस्ट और एसटी कैटेगरी पर एठारे गोटे वैकेंसी दिखाई। तबे यही सब कैटेगरी सहित देखते फ्रेंड्स, स्पेशल कैटेगरी जोटा कि रही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से गोटे वैकेंसी दिखाई। तापर देखते फ्रेंड्स, यही पोस्ट पर स्केल ऑफ पेटी रही 18,000 टकरु 56,900 टाँचा। सेवेन सीपीसी में आपंकर लेवल रान। तेज फ्रेंड्स, आपंकर बेसिक टी रहा 18,000 टाँचा, ता सहित आपको डीए और अदर आलाउंस एठार मिल जाव। तापर देखंतु फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन कथा कहले आसीथिबाय कैंटीन अटेंडेंट पोस्ट पर आवेदन करिया कहले, एठारे मिनिमम क्वालिफिकेशन टी रही मैट्रिकुलेशन पास। जदि आपण मैट्रिक पास करछन्थि, आपण आसीथिबाय वैकेंसी पर आवेदन करिपारिबे। तापर फ्रेंड्स, ए वैकेंसी पर एज लिमिट कथा कहले, देखंतु एठारे एज लिमिट टी रही 18-25 वर्ष। आपणकर बयस टी एठारे कैलकुलेट करा जिवो 22 सेप्टेंबर 2024 सुधा। जदि आपण जनरल कैटेगरी बिलोंग करछन्थि फ्रेंड्स, आपणकर बयस टी 22 अगस्त 2024 सुधा 18-25 वर्ष मध्यरे होइतिबा दरकार। तबे एठारे एज रिलैक्सेशन सुविधा मध्ये मिलियाउछि। तबे देखंतु, जे माने एससी एसटी कैटेगरी बिलोंग करछन्थि सेमानक पई अपर एज रे 5 वर्ष रिलैक्सेशन, जे माने ओबीसी कैटेगरी बिलोंग करछन्थि सेमानक पई अपर एज रे 3 वर्ष रिलैक्सेशन, जे माने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बिलोंग करछन्थि फ्रेंड्स सेमानक एठारे अपर एज 10 वर्ष रिलैक्सेशन मिल जिवो। तो फ्रेंड्स, यहाँ थी एज लिमिट विषय इनफर्मेशन। नेक्स्ट चलतु आसीथिबाय कैंटीन अटेंडेंट वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस कौन होती से विषय में जाणी नबा। देखंतु फ्रेंड्स, कैंटीन अटेंडेंट रो वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज रही। प्रथम टी रही आपंकर शॉर्टलिस्टिंग स्टेज, 500 कैंडिडेट मानक एठारे सिलेक्ट करा जिवो। फ्रेंड्स, आपण दशम रे जे मार्क रखिथिबे, आपणकर मार्क अनुसार प्रथम कैंडिडेट मानक शॉर्टलिस्ट करा जिवो। तापर फ्रेंड्स, देखंतु सेकंड स्टेज टी रही रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम पई टोटल ड्यूरेशन टी रही 2 घंटा। रिटन एग्जाम रे आपण 100 मल्टीपल चॉइस रो क्वेश्चन पाइजिवे, एमसीक्यू क्वेश्चन पाइजिवे। फ्रेंड्स, देखंतु सब्जेक्ट गुडी कहि पर रही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एथरे आपणको 25 क्वेश्चन मिल जिवो। जनरल अवेयरनेस, सेथिपई मध्ये आपणको 25 क्वेश्चन मिल जिवो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रही फ्रेंड्स, एथिपई आपणको 25 क्वेश्चन मिल जिवो। नेक्स्ट रही जनरल इंग्लिश, एथरे मध्ये आपणको 25 क्वेश्चन मिल जिवो। एहिपरि रूपरे फ्रेंड्स, आपण 100 क्वेश्चन आंसर देबे, टाइम ड्यूरेशन रही 2 घंटा। तबे देखंतु फ्रेंड्स, एठारे नेगेटिव मार्किंग मध्ये रही, प्रत्येक ठीक आंसर पई आपणको 3 मार्क मिल जिवो एवं प्रत्येक रॉन्ग आंसर पई आपणकर गोटे मार्क एठारे डिडक्ट करा जिवो। तबे रिटन एग्जाम रो विभिन्न सब्जेक्ट पई देखंतु फ्रेंड्स, एठारे सिलेबस मध्ये दिआइछि, आपण पेज नंबर 4 और 5 रे डिटेल सिलेबस टी को पाइजिवे। तबे फ्रेंड्स, जदि आपण दशम रे भल मार्क अच्छी, आपणकर एठारे शॉर्टलिस्ट होवार अधिक चांसेस रहउछि। तापर फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलंतु आसीथिबा वैकेंसी पई आपण माने केमिति आवेदन करिवे से विषय रे जानि नबा। देखंतु फ्रेंड्स, आसीथिबा वैकेंसी पई एप्लीकेशन मोड रही ऑनलाइन मोड। आपणको देखंतु फ्रेंड्स, गोटे वेबसाइट रे ऑनलाइन आवेदन करिया पडिवो। वेबसाइट टी एपरि रही TNIncomeTax.gov.in।
ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏହିପରି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହିସାବରେ ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ରିଲେଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ PWD କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 1 ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଠାରୁ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଉଠାଇଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍କାନ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସ୍ପୋର୍ଟ, DL, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେକୌଣସି କାଟାଗୋରି ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରାତି 11 ସୁଦ୍ଧା। ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।